मोदी सरकार के शासन में जगहों के साथ साथ अब देश का भी बदलेगा नाम। क्या है ये पूरी खबर, कैसे मिला था देश को इंडिया नाम और किन कानूनों के तहत इसे बदला जाएगा, तफसील से समझिए इस खास रिपोर्ट से। हमारे देश के आज से पहले कई नाम थे, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया आदि। लेकिन क्या अब देश का नाम सिर्फ भारत ही हो जाएगा और इंडिया हट जाएगा? इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि संसद के स्पेशल सेशन में मोदी सरकार संविधान से इंडिया शब्द को हटाने का प्रस्ताव ला सकती है। दरअसल मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का स्पेशल सेशन बुलाया है। इस सेशन को लेकर अब तक कुछ साफ नहीं है कि इसमें किन मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। कई अनुमान लगाए जा रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल ला जा सकता है, और अब सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस सेशन में सरकार देश के संविधान से इंडिया नाम हटाने का बिल भी ला सकती है। ये बात का संकेत यहाँ से भी मिलता है, क्योंकि G20 समिट के लिए राष्ट्र प्रमुखों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से न्योता भेजा गया और उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, जबकि आज से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। इतना ही नहीं, RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भी सोमवार को कहा था कि लोगों को इंडिया की बजाय भारत नाम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का नाम सदियों से भारत ही था और भाषा चाहे कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। मोदी सरकार तो हमेशा से ही अपने नाम बदलने वाले फैसलों की वजह से बातचीत में रही है, चाहे वो देश की यादगार हो, इमारतें हों या पार्क हों। वक्त वक्त पर जगहों के नाम बदले गए हैं। आपको बताएं तो 1947 में जब आज़ादी मिली थी तो भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई और इसे लेकर तीखी बहस होना भी शुरू हो गई। इसे लेकर सभा के सदस्य HV कामनाथ ने अनुच्छेद 1 का प्रस्ताव रखा, जो कि कहता है इंडिया दैट इज भारत। वहीं सारी बहस का कुछ खास नतीजा नहीं निकला और संशोधन के लिए वोटिंग करवाई गई और आखिर में अनुच्छेद 1 ही बरकरार रखा गया। इस तरह से इंडिया दैट इज भारत बन गया। अब बात करें कि आखिर कैसे ये इंडिया नाम हट सकता है। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, जो राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 इंडिया और भारत दोनों को ही मान्यता देता है। अब अगर केंद्र सरकार देश का नाम सिर्फ भारत करना चाहती है तो उसे अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए बिल लाना होगा। अनुच्छेद 367 संविधान को संशोधन करने की अनुमति देता है। कुछ संशोधन साधारण बहुमत यानी कि 50% बहुमत के आधार पर हो सकते हैं, तो कुछ संशोधन के लिए 66% बहुमत यानी कि कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ती है, और अनुच्छेद 1 में संशोधन यानी के बदलाव के लिए सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। और इस हिसाब से लोकसभा में इस वक्त 539 संसद और इस हिसाब से इस वक्त लोकसभा में 539 सांसद हैं, लिहाजा अनुच्छेद 1 में संशोधन के बिल को पास करने के लिए 356 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। और राज्यसभा में 238 सांसद हैं, तो बिल को पास करने के लिए 187 बिल को पास करने के लिए 177 सदस्यों का समर्थन की जरूरत होगी। अब सरकार आखिर इस बिल को लाएगी या नहीं, इसे लेकर क्या सभी पार्टियों का कहना होगा, ये स्पेशल सेशन में देखने वाली बात होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।